बीती रात बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे रिलेशन के काफ़ी सदस्य मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। रात को 12 बजे थोड़ा सा जलजला जैसा आया और बस सेकंड का ही काम हुआ और ख़त्म। जो इस्टीमेट है वो कहते हैं जो गिनती में आए हैं 38-40 के करीब है लोग। अभी वैसे मिला तो कोई नहीं है, अभी एक दो शव मिले हैं, पता नहीं उनका भी पता नहीं लग रहा है। अभी सर ऐसा है जो आज त्रासदी में जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा प्रावधान रखें आप हर चीज़ के बारे में, तो अनदेखी हो रही है, तो बाकी आपके सामने है जो हो रहा है। पंद्रह बीस का समेज गांव है जहां बीती रात बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें हमारे रिलेशन के काफ़ी सदस्य मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो हम उनकी अंत्येष्टि के लिए वापस उनके घर जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या हादसा क्या हुआ? वह रात को 12 बजे थोड़ा सा जलजला जैसा आया और बस सेकंड का ही काम हुआ और ख़त्म। कितने लोग लापता है, क्या क्या नुकसान हुआ? जैसे मतलब जो इस्टीमेट है वो कहते हैं जो गिनती में आए हैं 38-40 के करीब है लोग। अभी वैसे मिला तो कोई नहीं है, अभी एक दो शव मिले हैं, पता नहीं उनका भी पता नहीं लग रहा है कौन है। मदद कर रही है? मदद का कोई साधन नहीं है बिल्कुल नहीं है, अभी लगे हुए ऑफिसर आ पाए हैं। चलो अब कर रहे हैं, अब देख रहे हैं, पब्लिक थोड़ा सा इनको जागरूक करना पड़ता है, इनको वैसे तो ये सुनते नहीं है। बस हमारी बाकी से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील सर ऐसा है जो आज त्रासदी में जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा प्रावधान रखें आप हर चीज़ के बारे में, तो अनदेखी हो रही है, तो बाकी आपके सामने है जो हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे, और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे, तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40-42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है जी। हाँ, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, दो एनडीआरएफ की टीम है जिसको चार पार्ट्स में बांटा गया है, और साथ ही साथ अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी भी है यहाँ पर साथ में, और CISF, ITBP और सिविल पुलिस, और साथ में SDRF और अदर वॉलेंटियर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर अनुमानित है हमारे जो NDRF के रिस्क्यूअर्स हैं उस वाले पैच में, उस वहाँ पर एक मकान्स वगैरह हैं जहाँ पर मतलब कि अनुमानित है वहाँ पर कुछ स्ट्रक्ट हो सकते हैं, विक्टिम बॉडीज वगैरह वहाँ रिकवर होने के चांसेस हैं, तो इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर अप्रोच बनाई जा रही है। दूसरा सर्चिंग, यहाँ पर भी सर्चिंग की गई है, और लोअर साइड में भी वहाँ पर भी सर्चिंग कंटिन्यूसली, इवन अदर टीमें भी आगे भी लगी हुई हैं NDRF की और अदर SDRF अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई है।